नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ओम्स लॉ के बारे में। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में ओम्स लॉ को समझते हैं कि ये ओम्स लॉ क्या होता है। एक स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप ये बताएंगे कि ओम्स लॉ को, मतलब हिंदी में मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, इंग्लिश में आप इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, ओम्स लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा, इन दोनों के बीच के रिलेशंस को समझाता है और बताता है। क्या कहता है ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि दो बिंदु यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो दो बिंदु है, इन दो बिंदु के बीच जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए ये ए और ये बी है, तो इन दो ए और बी, इसको ए और बी से नहीं, इसको बी और सी से सूचित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने, देखिए, ए से यहाँ पर एमीटर को सूचित किया है, इसलिए बी और सी जो है दो पॉइंट है, और उस दो पॉइंट्स के बीच जो भी करंट फ्लो होगा, करंट जो फ्लो होगा, तो करंट तो ऐसे करके यहाँ से फ्लो हुआ, तो इसके बीच जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस द टू पॉइंट्स, मतलब दो बिंदु के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का। और यहाँ पे जो जिगजैग करके जो लाइन बनाया गया वो रेसिस्टेंस को दिखाता है, प्रतिरोध को दिखाता है। तो ओम्स लॉ कहता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो पोटेंशियल पोटेंशियल के यानी कि वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है? तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो, तो मान लीजिए कि करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें से, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज़ प्रोपोर्शनल होता है, तो वोल्टेज। वोल्टेज को अगर हम वी से स्विच करें तो ये कहना है इसका कि यहाँ पर ये करंट जो फ्लो होगा उसके बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये ओम्स लॉ यहाँ पर ये कहता है। तो जी, जैसे ये कहेगा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है आर। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आता है आर, तो आर के कांस्टेंट आ जाने से यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये तो बोला जाता है कि करंट जो है वो वी के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए बोला जाता है कि आई जो है, करंट जो फ्लो हुआ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसके। करंट जो है वो कितना फ्लो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस के। तो ये दो जो रूल्स हैं वो ओम्स लॉ में जुड़े हुए हैं। पहला कहता है कि जो करंट फ्लो होगा इसमें, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन करंट जो फ्लो हो रहा है वो रेसिस्टेंस का, इसमें जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, प्रतिरोध उत्पन्न जो होंगे उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है, तो कोई भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसका जो अपोज करता है उसी को कहते हैं हम रेसिस्टेंस। अब ये दोनों लॉज को आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो हमारे पास आता है, इस दो लॉज को जब मिला दिया गया तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन निकला, वो एक्सप्रेशन है वी बराबर आई आर। V बराबर क्या हो गया, आई आर एक एक्सप्रेशन निकला जो कहलाता है ओम्स लॉ। इसको भी कई जगह पर आप देखिएगा कि इसको क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है इसको। तो फिर से हम इसके बारे में बताते हैं आपको कि ओम्स ने कहा, ओम्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि करंट किसी भी विद्युत धारा से अगर फ्लो, किसी भी सर्किट से अगर फ्लो होता है करेंट, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा उसमें जो रेसिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है उसका। वो दो लॉज को आपस में मिला दिया गया,
मेन जो उसका जो लॉ है वो ये है, और उन दोनों चीजों को जब मिलाया गया तो वी जो है वो यहाँ पे वी इक्वल टू हो गया आई आर। आपको जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिला, वी इक्वल टू आई आर। अब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाता है यहाँ पर, किसी अलग तरीके से समझाने का प्रयास करता है। वो कैसे इसको समझाने का प्रयास करता है कि ये सही है या नहीं है, तो उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके द्वारा समझेंगे हम लोग। लॉ के अनुसार ये कहा गया है कि यदि आप क्या करेंगे, करेंट्स के वैल्यूज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि करेंट के मान को अगर बढ़ाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो एक क्या किया गया, एक सर्किट बनाया गया जिसमें कहा गया कि इस तरीके से आप एक अरेंज करिए जिसमें रियो स्टेट लगाएंगे, सेल्स लगाएंगे बहुत सारे इस तरीके से। अब ये जो सेल्स लगा दिए, आई करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया, यहाँ पर अमीटर लगाया गया। अब ये देखा गया, रीडिंग लिया गया, जैसे ही यहाँ से ये है रियोस्टेट है, रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो देखा गया कि मान लीजिए कि पहले स्टार्टिंग में एट फर्स्ट अगर I1 लिया गया, तो I1 अगर 5 एम्पियर आया तो देखा कि वोल्टेज जो है V का, जो V1 का जो मान है वो आया 5 वोल्ट। अब इसी तरह से I2 का वैल्यू लिया गया तो इसमें 10 एम्पियर किया गया, तो इसके जो वैल्यू हैं वो आ गए आपके 20 वोल्ट, या इस तरह से। अब देखिए कि इसमें हम इसको 5 10 ले लेते हैं, 10 वोल्ट। अब जब ये देखिए कि इसमें 5 था तो ये 10 था, ये 10 है तो ये 20 है, मतलब एक रेशियो जो है उनका एक लगातार बढ़ रहा है, और यदि इसका मान घटाएंगे तो इसका मान भी घट जाएगा इस तरीके से। तो वेरीफाई कर लिया गया, और फिर उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया गया, तो ग्राफ हमको स्ट्रेट लाइन में प्राप्त हुआ। अगर आई को जो है वो ये दो लाइंस खींचे गए, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक है। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन पर ले लिया गया करंट को, और हॉरिजेंटल लाइन पे और वर्टिकल लाइन पे जो है वो ले लिया गया पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को। और जब इसमें इन दोनों के मान को लगातार रख करके ग्राफ को प्लॉट किया गया, ग्राफ को जब प्लॉट किया गया तो यहाँ पर देखा गया कि ग्राफ जो है हमको एक स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है, एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ निकलता है। तो ग्राफ का स्ट्रेट लाइन में निकलना जो है ये बतला देता है कि हमारा जो ओम्स लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। ओम्स का जो कहना है कि ये यदि करंट का मान बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर आई प्रोपोर्शनल वी का जो जो लॉ वो जो कह रहा है वो लॉ उनका प्रमाणित हो जाता है। इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ओम्स लॉ को। और ओम्स लॉ में हमें एक फॉर्मूला जो मिलता है आई इक्वल टू वी बराबर सॉरी वी बराबर जो है वो आई आर मिलता है, वी बराबर आई आर, जो कि लिखा जाएगा ओम्स ओम्स लॉ से जो है, ओम्स लॉ से ये हम लोगों को प्राप्त हुआ है वी बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ से कनेक्टेड है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे
ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।